हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर से एक बार वीडियो लेके चले आया हूँ क्योंकि अपडेट आ चुका है, इसलिए आपके साथ मैं जुड़ गया हूँ। इसके बारे में बताएंगे कि ऐसा न्यू पॉपअप डाला है बैक ऑफिस पे, क्या बताए वहाँ पे, ये इसको लेकर बात करेंगे। मैं मीटिंग पे था और क्या हो रहा था, सभी को लेकर अपडेट्स देंगे इसी चैनल पर, इसी वीडियो के माध्यम से, ठीक है। एंड नेक्स्ट वेबिनार कैसे, कहाँ क्या होने वाला है, आपको ज्वाइन कैसे करना है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम मीटिंग होता है, अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाओगे तो मेरा बहुत ख़राब लगेगा, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। मैं तो ज्वाइन हो चुका था, एक्सपीरियंस भी ले चुका हूँ, तो फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा व्यूअर्स जो मेरे वीडियो देखते हैं उन लोग भी ज्वाइन हो पाए सक्सेसफुली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ दीपायन, आप इस वक्त मेरे चैनल दीपायन ऑन मानना ओपी पर है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही नए नए वीडियो अपडेशन आपके मदद के लिए मैं हमेशा वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो है कि नेक्स्ट वेबिनार के बारे में पहले बात कर लेते हैं। पहले नेक्स्ट वेबिनार के बारे में बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वेबिनार होने वाला है ट्यूजडे, मंडे ट्यूजडे 7 फरवरी, ठीक है। टुडे इज 5 फरवरी, 6 मंडे है एंड 7 इज ट्यूजडे है। टाइम डेट टाइम तो अभी पता नहीं है, शायद लगभग मान लो 10:30 बजे हो सकता है, पहले भी हो सकता है, जब भी होंगे अब मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल में, ठीक है। तो अभी लिंक के बारे में बात करते हैं। लिंक आ जाएगा एंड शायद मुझे लग रहा है इस बार, पिछले बार 5000 कैपेसिटी था, इस बार उनसे ज़्यादा होंगे, हो सकता है 10,000 होंगे, 20,000 होंगे, कुछ भी हो सकता है, बताएंगे ज़रूर क्या होंगे, ठीक है। अभी ज्वाइन कैसे होना है इसके बारे में बात करते हैं एंड एसर क्या पॉपअप में डाला है उसके बारे में बात करते हैं। एसर पॉपअप में ये डाला है कि जो पिछले बार वेबिनार कॉन्डक्ट हुआ कल रात में, उसमें 5000 कैपेसिटी था एंड बहुत लोगों ने जुड़ पाया, बहुत लोगों ने नहीं जुड़ पाया, बहुत लोगों ने वाइट स्क्रीन देखे, बहुत लोगों ने लॉग इन नहीं कर पाया, बहुत लोगों ने ज्वाइन होकर मीटिंग का एक्सपीरियंस भी लिया था। तो जो जो प्रॉब्लम फेस किया वो प्रॉब्लम को हमारा टेक टीम ने नोट डाउन किया है एंड उसके ऊपर काम करेंगे। एसर बताया है कि कुछ थोड़ा काम बाकी है, जो जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको सोल्यूशन होंगे एंड उसको सही करेंगे, उसके बाद फिर से ट्यूजडे आएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं होंगे, शायद और अच्छे खासे चलेंगे, हो सकता है नए कुछ प्रॉब्लम हो जाए उसको फिर सोल्यूशन करेंगे, ऐसे करते करते जाएंगे। पिछले बार 5000 था, इसके नेक्स्ट टाइम शायद 10,000 होंगे, उसके बाद 20, 25, 30, 30, 40, 50, 60 करके करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। एक दो दिन गैप के वेबिनार कॉन्डक्ट होते जाएंगे एंड जो प्रॉब्लम फेस करेंगे हम सुधरते जाएंगे। ऐसे ही प्रोडक्ट बनता है, ऐसे ही टेक टीम बनता है, ऐसे ही टेक्निकल वर्ल्ड बनता है, ठीक है। गलती कर होंगे ही होंगे क्योंकि वो लोग बना रहे एंड बनाने के बाद पता चलता है टेस्टिंग के मामले में कि कहाँ प्रॉब्लम होता है ना। आप जब कोई खाना पकाते हो तब मालूम नहीं चलता कहाँ प्रॉब्लम है, जब खाते हो तब पता चलता है कि नमक कम है या मिर्ची ज़्यादा है, है ना। तो वैसे ही होता है कि जब टेस्टिंग होंगे तभी पता चलेगा कहाँ कम है, कहाँ गलती है, कहाँ सुधारने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही चीज़ बन रहा है, ऐसे बनने दो, हम साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। अभी बात करते हैं कि प्रोडक्ट कैसा था। प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस बहुत बहुत सही था, प्रोडक्ट जो पिक्चर क्वालिटी था बहुत बहुत सही था। इमोजी का ऑप्शन बाएं साइड में थे एंड इमोजी जब आप दे रहे थे बहुत सही सा लग रहा था, आप मैसेज कर पा रहे थे, टाइमिंग उड़ रहा था, जो टाइमिंग होता है वेबिनार का वो ही चल रहा था, चैट ऑप्शन था, बैकग्राउंड साउंड जो था वो ही, वो जो लीडर लोग थे वो प्ले कर रहे थे बैकग्राउंड साउंड, जो चीयर्स वाला ये सब साउंड था, हैप्पी बर्थडे ऐसे साउंड होता है ना जो पिछले बार था, तो वही है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। नॉइज़ कैंसिलेशन भी बहुत अच्छे से ज़्यादा शोर नहीं लग रहा था, पिक्चर क्वालिटी बहुत सही से था, साउंड का ऑप्शन था, अगर लिफ्ट में एक साउंड का ऑप्शन था उसलिए आप शायद बहुत लोगों ने साउंड नहीं सुन पाया था, वो ऑन करना था, ठीक है। ऐसे करते तो बहुत कुछ था एंड सुबह में शायद एक वेबिनार का लिंक था वो लिखा आ रहा था, बहुत लोगों ने मुझे पूछ रहा था कि 3 PM से वेबिनार, 3 PM नहीं, वो चेंज हो गया। अभी लेटेस्ट अपडेट यही है कि 7 फरवरी मीटिंग होने वाला है एंड कब कहाँ से होने वाला है, टाइम डेट बाद में पता चल जाएगा, शायद कल या परसों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको उस मीटिंग का अपडेट मैं दे दूँगा कहाँ कैसे होना है। अभी ज्वाइन के बारे में एक बार बता देते हैं एंड मैं कोशिश करूंगा आपको नोट के मतलब एक शॉर्ट वीडियो बना के ज्वाइन कैसे मीटिंग करना है उसका एक प्रोसेसिंग मैं बता देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। विजुअलाइज आप देख पाओगे, अभी यहाँ पर सिर्फ बोल देता हूँ, अगर आप फाउंडर हो तो आप बैक ऑफिस पे जाइए, लॉग इन करें, एक पॉपअप मिल जाएगा उस दिन, अभी तो नहीं मतलब ट्यूजडे एक पॉपअप मिल जाएगा, वहाँ पर पहली बार क्लिक करने से आपको एक लॉग इन पेज आएगा। लॉग इन पेज पर आपका जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को डालना है, पासवर्ड नहीं डालना है, पासवर्ड क्या डालना है वहाँ पर होगा,
होगा, शायद अभी वो कनेक्ट है, अभी पासवर्ड है strike@123, तो वैसे ही पासवर्ड नए जनरेट होंगे शायद उस दिन, तो उस पासवर्ड को देना है, आपका ईमेल आईडी देना है, बस लॉगिन आप हो जाओगे, कोई भी ईमेल आईडी हो चलेगा, बस पासवर्ड वही रहना है, आप लॉगिन हो जाओगे, फिर दूसरी बार क्या उस बैक ऑफिस पे उस लिंक पे आना है, वो होम पेज करके उस लिंक पे आना है, बैक एंड पे आके उस लिंक पे फिर दोबारा क्लिक करना है, दोबारा क्लिक करने से आप मीटिंग में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। यही सिंपल सर प्रोसेस है, मैं कोशिश करूँगा और एक बार शॉर्ट्स बना के आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। आशा कर तो अभी तक यहीं तक आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया है, वीडियो समझ में आ गया, सोल्यूशन हो जाएगा, टेंशन मत करो, जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाओगे ज्वाइन ऑब्वियसली कर पाओगे, ठीक है, यही तो इसलिए तो टेक टीम काम कर रहा है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे प्यार बना के रखिए, लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, नेक्स्ट वेबिनार का अपडेट शेड्यूल शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच।